हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू टेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपका पीएफ अकाउंट में किसी भी कारणवश डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन गलत अपडेट हो चुका है, चाहे आपने खुद से ही गलत अपडेट कर दी है, फिर किसी कारणवश आपका कंपनी गलत अपडेट कर दिया है, जिसके वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। जो भी आपके पीएफ अकाउंट में गलत डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपडेट हुआ है, उसे आप किस प्रकार से ठीक करवा सकते हैं, इससे क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं, तो फिर आपको चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर प्रोसेस की बता देता हूँ, प्रोसेस किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को ठीक करवा सकते हैं, कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। बेसिकली पीएफओ की तरफ से यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है दिया गया है, जहां से आप खुद से अपने पीएफ अकाउंट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है आपका गलत अपडेट हुआ है, उसे आप ठीक करवा सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ, कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, केवल एक ही तरीका है, एक ही प्रोसेस है ऑफलाइन। अगर आप अपना पीएफ अकाउंट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को ठीक करवाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको ऑफलाइन तरीका से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूँ। इसी ज्वाइंट डिक्लेरेशन के फॉर्म के माध्यम से जो भी आपका पीएफ अकाउंट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन गलत है, उसे आप ठीक करवा सकते हैं। इस फॉर्म में यहाँ पर 9 नंबर में देखिए एक ऑप्शन नजर आता होगा, रीजन ऑफ लिविंग, इसी सेक्शन को आपको फिलअप करना होता है, और इसी सेक्शन के माध्यम से, इसी फॉर्म के माध्यम से आप अपना पीएफ अकाउंट रजिस्ट्रेशन को ठीक करवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म आपको कहां से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो फॉर्म होता है वो आपके कंपनी द्वारा ही उनके लेटर पीरियड के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या तो फिर इस फॉर्म का जो डाउनलोड लिंक होगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, या तो फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी फॉर्म मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फॉर्म को किस प्रकार से आपको फिलअप करना है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले जो ये फॉर्म आपके पास ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नजर आ रहा है, ये आपके कंपनी के लेटर पेड पर होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली इस फॉर्म को फिलअप करके आप नहीं काम करवा सकते हैं, जो फॉर्म है वो आपके कंपनी के लेटर पेड पर होना चाहिए। जो लेटर पेड होगा आपका कंपनी जो होता है वो आपके कंपनी द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ये दूसरा जगह से नहीं मिलेगा, लेटर पेड आपके कंपनी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा आपके कंपनी का, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए नजर आता होगा ऑन लेटर पेड ऑफ एस्टॉलमेंट, इसका मतलब होता है जो भी आपका कंपनी है आपके कंपनी के लेटर पेड पर ही ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म मेंशन होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि जो भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आप अपना कंपनी से ही ले लीजिए, वही अच्छा रहेगा, ठीक है, बेहतर रहेगा, क्योंकि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो आपके कंपनी द्वारा आपके लेटर पेड पर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आई नजर आता होगा, आई के बाद आपको अपना नाम देना है, जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे आपको कंप्लीट नाम आपके आधार कार्ड पर जो भी नाम है वो दीजिए। उसके बाद जो भी आपका यूएन नंबर है 12 डिजिट का वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपको पीएफ अकाउंट नंबर पता नहीं है तो आप ऑनलाइन तरीका से भी पता कर सकते हैं, इस पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है। उसके बाद जो भी आपका कंपनी है, जो भी आपका स्टेटमेंट है, उसका जो नाम होगा वो नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है, ठीक है, बस इतना यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे आएगा तो देखिए इस फॉर्म के माध्यम से काफी सारा चीजों को आप ठीक करवा सकते हैं, जैसे कि नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, जेंडर गलत है, फादर्स नेम गलत है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत है, डेट ऑफ लिविंग गलत है, ठीक है। जो भी गलत होगा आपके पीएफ अकाउंट में उसे आप इसी फॉर्म के माध्यम से आप ठीक करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जिस्ट रीजन आपका गलत अपडेट हो गया, उसे आप ठीक करवाना है। उसके लिए यहाँ पे देखिए 9 नंबर में नजर आता होगा रीजन ऑफ लिविंग, इसी को एग्जिस्ट रीजन भी कहते हैं, ठीक है। इसी कॉलम को आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे देखिए दो कॉलम नजर आता होगा, एक इनकोरेक्ट का और एक करेक्ट का, ठीक है। इनकोरेक्ट में वही चीज आपको फिलअप करना है जो आपने गलत अपडेट किया, चाहे आपने खुद से किया है या फिर कंपनी जो गलत आपका अपडेट कर दिया है। तो सिंपल से समझ लीजिए जो भी आपका पीएफ अकाउंट गलत अपडेट हुआ है एग्जिस्ट रीजन में, वो गलत वाला यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद सही क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पे करेक्ट वाला सेक्शन में आपको फिलअप कर। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम यहाँ पर नजर आता होगा, ये कॉलम आपके कंपनी द्वारा फिलअप होगा, आपको यहाँ पे नहीं फिलअप करना है, आपके कंपनी द्वारा ही फिलअप होगा। तो चलिए आपका कंपनी किस प्रकार से फिलअप करेगा वो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए नजर आता हूँ आई, आई के बाद जो भी आपका कंपनी का ऑथराइज पर्सन है, जो भी आपका कंपनी पीएफ का काम करता है, जिससे ऑथराइज किया गया आपको कंपनी की तरफ से, जो भी आपके कंपनी के हेड हो गए पीएफ का, वो अपना यहाँ पे नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी उनके फादर्स नेम है वो अपना यहाँ पे फादर्स नेम देंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी एग्जिस्ट रीजन ठीक करवाने में जो डॉक्यूमेंट लगता है, कौन कौन सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पे, डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। ये आपके कंपनी द्वारा ही मेंशन किया जाएगा। चलिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से यहाँ पे लगेगा एग्जिस्ट रीजन को ठीक करवाने में वो मैं आपको बता देता हूँ।
उसके लिए ईपीएफओ की तरफ से एक लिस्ट जारी किया गया, इसी लिस्ट के ऊपर आपको आना है। जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे देखिए नजर आता होगा डेट ऑफ लिविंग का, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ लिविंग है, उसी के नीचे यहाँ पे देखिए काफी सारा डॉक्यूमेंट बताया गया है। चलिए वन बाय वन करके मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे चार डॉक्यूमेंट बताया गया, चार डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगा लेना है। जैसे कि पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए नजर आता होगा ओरिजिनेशन लेटर, ठीक है, टर्मिनेशन लेटर। तो जो भी आपका कंपनी की तरफ से ओरिजिनेशन लेटर आपको दिया गया है उस लेटर को यहाँ पे आपको लगाना होगा, अटैच करना होगा। या तो फिर यहाँ पे नीचे देखिए दूसरा डॉक्यूमेंट में यहाँ पर नजर आता होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। या फिर तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए नजर आता होगा सैलरी स्लिप लगा सकते हैं, वेजेस स्लिप लगा सकते हैं, ठीक है, फाइनल लेटर लगा सकते हैं, जो भी आपका फाइनल लेटर होता है वो भी लगा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप कंपनी से हेल्प लीजिए, कंपनी ये सब डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहां सबको ले लेना, ठीक है, यही सब डॉक्यूमेंट वहां पर आपको लगाना होता है। इसके अलावा चौथा नंबर में भी देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताया गया, चौथा डॉक्यूमेंट में यहाँ पर देखिए नजर आता होगा एम्प्लॉयर ऑफ द ऑथराइज सिग्नेचर के साथ आपको लगाना होगा, मतलब स्टाम्प वगैरह आपको करवाना होता है, ठीक है। तो आपके लिए इजी जो डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पर रिजिग्नेशन लेटर आप लगा लीजिए, या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा लीजिए, या फिर सैलरी स्लिप तो आपको होगा ही, और फर्स्ट मंथ का जब सैलरी मिला होगा तो वहाँ पे आपको सैलरी स्लिप मिला होगा, वो सैलरी स्लिप लगा सकते हैं, या फिर सैलरी स्लिप नहीं मिला तो कंपनीज भी ले सकते हैं, ठीक है। इन्हीं डॉक्यूमेंट को आपको लगाना होता है। फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना होता है मैं आपको बता दी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आपको नहीं फिलअप करना है, आपके कंपनी द्वारा ही फिलअप किया जाएगा, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नीचे आना है, जब नीचे आएगा तो यहाँ भी आपको कुछ डिटेल फिलअप करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वी है, वी के बाद आपको यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम दीजिएगा, जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय लिखा हुआ नजर आता होगा, यहाँ पे आप अपना नाम दीजिएगा। उसके बाद एंड के बाद जो आपका कंपनी है, जो आपके कंपनी द्वारा ऑथराइज पर्सन है, जो पीएफ का काम करते होंगे आपके कंपनी में, वो अपना यहाँ पे नाम देंगे, ठीक है, डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले आप अपने यहाँ पे डिक्लेयर कीजिएगा, उसके बाद जो आपका कंपनी का ऑथराइज पर्सन है वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सील सिग्नेचर भी करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ मेंबर में यहाँ पे अपना सिग्नेचर कीजिएगा, उसके बाद जो भी आपका कंपनी का ऑथराइज पर्सन है वो अपने यहाँ पे सील सिग्नेचर मुहर वगैरह मार देंगे, ठीक है। इतना ही आपको इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया उस डॉक्यूमेंट को आपको ले लेना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट नहीं है तो कंपनी सहायता लीजिए, वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो फॉर्म है आपके कंपनी के जो लेटर पेड होता है उसी पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका रीजनल पीएफ ऑफिस होता है वहां पर जाकर के आपको ये फॉर्म आपको सबमिट करना होता है। रीजनल पीएफ ऑफिस अगर आप नहीं जानते कि आपका रीजनल पीएफ ऑफिस कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है, उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को देख करके आप इजी में पता कर सकते हैं कि फाइनल आपका रीजनल पीएफ ऑफिस कौन सा है और उसका कंप्लीट एड्रेस क्या है। तो सिंपल से इस फॉर्म को ले लेना है, डॉक्यूमेंट को ले लेना है, और अपना जो भी आपका रीजनल पीएफ ऑफिस है वहां पर आपको जाकर के जमा कर देना है। जमा कर देने के बाद विद इन यहाँ पे टाइम जो लगता है वन मंथ तक लग जाता है, उससे कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो सकता है और कभी कभी उससे पहले भी हो सकता है। कम से कम एक महीना मान लीजिए, एक महीने के बाद ही जो भी आपका पीएफ में डेट ऑफ एग्जिस्टेंस गलत अपडेट है उसे ठीक कर दिया जाए, ठीक है। यही एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया, फिलहाल कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है एग्जिस्ट रिजल्ट ठीक करने का। तो जैसे ही कोई ईपीएफओ की तरफ से अपडेट आ जाए, ऑनलाइन तरीका आ जाए, तो मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रोसेस था वो मैंने आपको समझा दिया हूँ। तो आशा करता हूं जो भी इस वीडियो में आपको जानकारी दिया सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो फिर आपको चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। किसी प्रकार से डॉट कंफ्यूजन या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता होगा तो आप डायरेक्ट कॉमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां से भी जो सोल्यूशन होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।